हेलो दोस्तों, रोहित शर्मा ने WTC फाइनल की प्ले 11 की घोषित। इसमें नए नए खिलाड़ियों को दिया है मौका। दोस्तों हालांकि इसमें हम बात करते हैं कि एस भरत को मौका मिलेगा, ईशान किशन को। हालांकि कि एस भरत और ईशान किशन में से कौन विकेट कीपर होगा इसे लेकर असमंजस है। सभी की निकाहें इस बात पर होगी क्या टीम मैनेजमेंट 4 टेस्ट मैच खेलने वाले भरत पर भरोसा जाएगा या फिर ईशान किशन को सबसे लंबे फॉर्मेट डेब्यू का मौका मिलेगा। भारत को फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में अवसर मिला था। वहीं विकेट कीपिंग में प्रभावी दिखे लेकिन बल्लेबाजी में कोई खास नहीं छाप पाए। ईशान के खेलने की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि वह ऋषभ पंत की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मादा रखते हैं। वह बाएं हाथ के खिलाड़ी है। भारत के एक स्पिनर और 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने की उम्मीद है। हालांकि लंदन में ड्राई कंडीशन रही तो भारत को 2 स्पिनर के साथ खेल सकता है। ऐसे में रविंद्र जडेजा के साथ रविचंद्रन अश्विन देख सकते हैं। अगर ड्राई कंडीशन नहीं रही तो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं। भारतीय पेस अटैक का जिम्मा मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव के कंधों पर होगा। अदेही फाइनल के लिए भारतीय स्क्वाड है, उसमें जसप्रीत बुमराह, पंत, केएल राहुल, श्रेयस सैयद जैसे धाकड़ खिलाड़ी नहीं है। यह सभी चोटिल होने के कारण बाहर है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें संभावित प्लेयर 11 की तो रोहित शर्मा सुमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 5 पर KS भरत या ईशान किशन हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव।